नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। पीएम मोदी जिस भीड़ को देखकर यूपी में आनंदित हो रहे थे, उस पर रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने सवाल उठाया है और एक ऑडियो शेयर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यूपी के जमानिया के एसडीएम ने भीड़ बुलाने के लिए गांव के प्रधान को धमकाया। वायरल ऑडियो में एसडीएम कहते हैं कि अगर रैली में नहीं लेकर आए तो प्रकोप झेलना पड़ेगा। एसडीएम जमानिया बोल रहा हूँ। हाँ सर, क्या प्रधान जी, 10,000 फोन क्यों फोन ना उठा रहे मेरा? अरे सर, सोए थे। सोए थे? अभी वीडियो साहब से बात हुई, अभी सो रहे हो तुम? अभी लाइटिंग से आ रहे हैं, अभी वीडियो साहब को उठाए हैं। एक बात समझ जाओ, सुन लो तुम, तुम्हारे यहाँ से लोग जाए या ना जाए ठीक है, लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही तहसील जमनिया में, और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गाँव में रहेगा। आधे घंटे बस खंड सुन लीजिए, तो ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप है देखोगे राजनीति, तो बाद में कर लेना तुम। लेकिन आधे घंटे के अंदर लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, अपना भी समझ लेना और गांव का भी समझ लेना, ठीक? ये बताइए सर, हम बोले आज नहीं चल पाने नहीं, मैं कह दिया ना, होगी राजनीति तुम्हारी, राजनीति हो गई आधे घंटे बाद, 6:30 के बाद तुम 9 बजे से 6 महीना जब तक मैं यहाँ रहूंगा तुम प्रकोप समझ लेना। अभी एसडीएम से पंगा लिए नहीं गाँव वाले, बहुत राजनीति जो चल रही है ना वहाँ पे, समझ लेना पंगा लेने का रीजन क्या हो, तो बाकी सरकारें जो बाद में आएंगे आएंगे, तो ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, आधे घंटे का समय है, सरकार की बात नहीं है सर। ऑडियो शेयर करते हुए रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके अफसरों को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि अगर ग्राम प्रधान भीड़ न जुटा सके तो पूरे गाँव को सरकारी मशीनरी का प्रकोप झेलना पड़ेगा? अब ग्राम प्रधान को मारपीट कर उससे ही उसकी गलती कबूलवाने का फरमान जारी हो जाएगा, पीएम की रैली में आओ वरना प्रकोप झेलो, रैली में लोग नहीं आए तो पूरा गांव प्रकोप देखेगा। एसडीएम साहब के इस बेअंदाज बयान पर देश का मीडिया कुछ बोलेगा या मुर्दों की तरह इस फांसीवाद का आनंद लेगा? इस एसडीएम को न सिर्फ सस्पेंड होना चाहिए बल्कि इन पर विधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे होंगे निष्पक्ष चुनाव? हम आपको बता दें, हिंदुस्तान लाइव इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर इस ऑडियो में सच्चाई है तो फिर सवाल उठता है कि क्या यूपी में प्रशासन मोदी जी की रैलियों के लिए प्रधानों पर जबरन दबाव बना रहा है? आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।